हम जा रहे हैं एक घने जंगल के बीच से। और यार रोड बहुत ख़राब है, शायद अभी नहीं कटी हुई है और हमने गलती कर दी इस रास्ते आगे। हेलो दगड़ियों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ों में। तो दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी मैं बारात खाने जा रहा हूँ जुनियागढ़ी, जहाँ से माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। तो वहाँ हम बारात खाने जा रहे हैं, हमारे किसी रिश्तेदारों में लड़के की शादी है। तो आप इस ब्लॉग के साथ भी बने रहेगा और आपने पिछले ब्लॉग देखे होंगे दोस्तों, सब पूजा वाले ब्लॉग और मस्त उन पर व्यूज जा रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का ऐसे सपोर्ट करने के लिए और उनको और शेयर के लिए, ताकि और भी उन पर व्यूज जाए और मेरे वॉच टाइम जल्द से पूरा हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको सरायखेत से आगे कर, क्योंकि वहाँ तक तो मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, लेकिन वहाँ से हम आज पहली बार बाइक लेके जा रहे हैं और मेरे साथ आ रहे हैं मेरे भैया, हम दोनों भाई जा रहे हैं अभी और हो सकता है रात को घर आ जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं और अपनी गाड़ी यूट्यूब चैनल नरेंद्र नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों हम अभी सरायखेत से निकल गए हैं और हमने कन्नी भी ले ली है, केले की कन्नी, क्योंकि बाहर में खाली हाथ नहीं जाते हैं। और पूरी शाम हो गई है, तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक घने जंगल के बीच से। और यार रोड बहुत ख़राब है, शायद अभी नहीं कटी हुई है और हमने गलती कर दी इस रास्ते आगे, क्योंकि आने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है लेकिन वो लंबा पड़ेगा। तो शॉर्टकट तो हमेशा खतरनाक ही होते हैं वैसे भी, पर वैसे हमारे पास अब हैवी ड्राइवर हुए, दिक्कत खिलाड़ी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इनको हर पहाड़ का अनुभव है। और तो दगड़ो फाइनली हम जुनियागढ़ी पहुंच गए हैं और बहुत ही खतरनाक वाली हवा यहाँ पर चल रही है और वो रहा शादी वाला घर। तो अभी जाएंगे वहाँ, क्योंकि अभी हमारे साथ और भी हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, मौसी लोग, भैया लोग, तो सभी एक साथ जाएंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ से सीन एकदम गजब वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है शादी और जय मैया।
तो अभी चाय नाश्ता शुरू हो गया है और सबसे पहले टी का पिठाई। हेलो Thank you.
अरे मेरी क्वेश्चन।